हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए 19 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। राज्य मंत्रालय के अनुसार शहर में 1 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं, जो कि रोजाना ट्रैफिक सिग्नल पर ईंधन व्यर्थ करते हैं। और राज्य सरकार के अनुसार कार हर दिन लाल बत्ती पर लगभग 15 से 20 मिनट बिताती हैं और लगभग 200 मिलीलीटर तेल की खपत व्यर्थ हो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा को बनाया गया है। अच्छा, ये विशाल बी वर्मा किसकी जगह लेंगे? तो ये जावेद अशरफ की जगह लेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। स्थापना 1945 को हुई थी और जो प्रमुख है वो आंड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक शशि थरूर ने लॉन्च की है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं लेखक शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन 2020 में करने की घोषणा की है। शशि थरूर की नई पुस्तक का प्रकाशन एलएफ बुक कंपनी द्वारा किया गया है। यह पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू का विस्तार स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो हाल ही में मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कस्बों तक सार्वजनिक पहुंच एवं दरवाजे तक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। और इस कार्यक्रम के तहत ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण एवं जनता सेवाओं के जल्द डिलीवरी एवं जल केंद्रित परियोजनाओं में तेजी से कार्य किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है और साथ ही उन्होंने अब पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत भर्ती महिलाओं के लिए निर्धारित की है? तो 20% भर्ती महिलाओं के लिए निर्धारित की है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की पुलिस लाइन में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है और साथ ही पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी को 49% वोट और कुल 64 सीटें मिली हैं और 120 वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 61 है। और ज्यूटिथ कॉलिंस की नेशनल पार्टी को 27% वोट और कुल 35 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत देश ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सबको सस्ता और आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो 18 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व रजोनिवृत्ति दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड मेनोपॉज डे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य प्रतिरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। आयोजित इस वेबिनार में श्री रंजीत कुमार संयुक्त सचिव ने उद्घाटन भाषण दिया और योग एवं प्रतिरक्षा के संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण केंद्र में हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 का रात्रिकालीन परीक्षण किया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण केंद्र में हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहा है कि इस मिसाइल का एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा। आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो ठीक लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।